हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आ गया हूँ लेकर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग, नेस्टेड फॉर लूप, जहाँ पे आप पैटर्न की प्रोग्रामिंग करोगे, जो एक मैजिकल प्रोग्रामिंग होती है, जो एक मैजिकल डिज़ाइन होती है। हम उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, तो आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ नेस्टेड फॉर लूप के अंदर, ठीक है, जहाँ पे वेरियस पैटर्न की प्रोग्रामिंग आप बना सकते हो। ओके, तो इस प्रोग्रामिंग को समझने से पहले जो बच्चे नए हैं चैनल पे, प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जिससे कि न्यू नोटिफिकेशन जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं आपको तक पहुंचते चली जाए। और बेटा प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस में ला रहा हूँ, तो बस आपको सिंपल सा केवल लाइक करना है, ठीक है। और अपने आप दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, जिनको भी इसकी ज़रूरत हो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि फ्री लर्निंग आपका चल रहा है, घर पर बैठ के आपको पूरी सीरीज़ पढ़ने का मज़ा मिल रहा है, और मैं बहुत मेहनत करके सारी सीरीज़ आप तक पहुंचा रहा हूं। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो वीडियो के एंड तक बना रह गया है वही टॉपिक को समझ पाया है, और एक दिन वही बच्चा टॉप कर करके भी आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिए, अंत तक बने रहिए, और हमारे साथ घर पे बैठ के जावा कोडिंग सीरीज़ को आप फ्री में समझिए। ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक आपका क्या है, नेस्टेड फॉर लूप, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि पैटर्न की प्रोग्रामिंग कैसे बनेगी। तो पैटर्न की प्रोग्रामिंग बनाने के लिए अगर आप तैयार हैं तो चलिए आज हमारे साथ जुड़िए और हम आपको बताते हैं कि पैटर्न की प्रोग्रामिंग कैसे बनती है, ठीक है। तैयार हो बच्चों, बिल्कुल तैयार हो, तो चलिए तैयार हो जाते हैं। टॉपिक आपका क्या है, नेस्टेड फॉर लूप। तो मैंने आपको पहले बताया था नेस्टेड का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ के अंदर एक दूसरी चीज़ आ जाए, मतलब किसी लूप के अंदर एक दूसरा लूप आ जाए, उस लूप के अंदर एक तीसरा लूप आ जाए, ठीक है, तो लूप विद इन अनादर लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप, ठीक है। एक लूप के अंदर जब कोई दूसरा लूप आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप, क्लियर। क्या होगा आपका, व्हेन वन लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ अनादर लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप, ठीक है, एंड द प्रोसेस अलाउ अस टू क्रिएट अ लूप विद इन अ लूप, ठीक है, इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप, एंड कंटेन्ड लूप इज कॉल्ड अ इनर लूप, एंड कंटेनर लूप इज कॉल्ड अ आउटर लूप, ठीक है। जिसमें कंटेन होगा वो आपका इनर लूप होगा, और कंटेनर जो आपका होगा दैट इज कॉल्ड अ आउटर लूप, ठीक है। तो यहाँ पे इनर एंड आउटर लूप के फॉर्म में हमारा सर्कल चलेगा। तो अगर हम प्रोसेस बात करते हैं, सिंटैक्स की बात करेंगे कि सर नेस्टेड लूप का सिंटैक्स क्या होगा, तो बेटा देख लो सिंटैक्स क्या होगा। सपोज आपने फॉर लिखा, फॉर में आपने क्या दिया, फॉर का इनिशियल क्या लिखते हो आप सिंटैक्स, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन देते हो आप, सेमी कॉलन लगाते हो, टेस्ट एक्सप्रेशन आप देते हो, टेक्स्ट एक्सप्रेशन देते हो, एंड इसके बाद आप क्या दे देते हो, अपडेट एक्सप्रेशन देते हो, ठीक है। इसके बाद लूप लगाया, इस फॉर के अंदर हम एक और लूप अगर लगा दें फॉर, अगेन हम यहाँ पे वैल्यू को क्या कर दें, इनिशियलाइज कर दें, ठीक है, अगेन हम वैल्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दें, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, दूसरा एक टेस्ट एक्सप्रेशन, एक और टेक्स्ट कंडीशन लगा दें, और इसके बाद हम वैल्यू को क्या कर दें, अपडेट कर देते हैं, अपडेट एक्सप्रेशन कर देते हैं, और इसके अंदर जब है हम कुछ स्टेटमेंट लिख दें अपना, और स्टेटमेंट के बाद इस इनर लूप को बंद कर दें, और इसके बाद में कुछ और स्टेटमेंट लिखने के बाद में अगर हम इसको बंद कर देते हैं, तो आपका क्या कहलाता है, ये नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। देखिए दिस इज कॉल्ड अ, ये आपका क्या होगा, इनर लूप होगा, ठीक है, ये आपका क्या है, इनर लूप है, इनर फॉर लूप है, और ये आपका जो होगा, ये आपका क्या होगा, आउटर फॉर लूप है, ये आपका क्या होगा बेटा, आउटर फॉर लूप है, क्लियर है। इनर फॉर लूप एंड आउटर फॉर लूप, यहाँ पे आपका फॉर लूप का भी सिंटैक्स आपको क्लियर हो जाएगा। नेस्टेड का मतलब समझ में आ गया कि अ लूप विद इन अनादर लूप, ठीक है, इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। जब किसी लूप के अंदर, किसी लूप बॉडी के अंदर एक दूसरा लूप बॉडी आ जाता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, नेस्टेड लूप बोल देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि एक पहला आपका फॉर लूप आपने लगाया, फॉर इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन एंड अपडेट एक्सप्रेशन, ठीक है, इस फॉर लूप का बॉडी ऑफ लूप स्टार्ट हुआ, और इसके बॉडी ऑफ लूप में मैंने एक और फॉर लूप लगा दिया, फॉर अगेन इसका इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन एंड अपडेट एक्सप्रेशन, और कुछ स्टेटमेंट मैंने लिखा यहाँ पे, इसका बॉडी ऑफ लूप हुआ, और इसके बाद इस लूप को मैंने यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, इनर लूप मेरा क्लोज हो गया, फॉर लूप में मैंने यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट लिखना हुआ लिख दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर लूप मतलब आउटर लूप को भी क्लोज कर दिया। दिस इज कॉल्ड अ इनर लूप एंड दिस इज कॉल्ड अ
आउटर लूप। ओके बेटा, तो दिस इज अ बेसिक कॉमन सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड लूप। व्हाट इज अ नेस्टेड लूप? व्हेन वन लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। द कंटेन्ड लूप इज नोन एज इनर लूप एंड द कंटेनर लूप इज नोन एज अ आउटर लूप। क्लियर है गाइस? तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ पैटर्न के प्रोग्रामिंग देखते हैं, कुछ सिंपल पैटर्न से स्टार्ट करते हैं और डिफिकल्ट पैटर्न की ओर हम बढ़ते हैं। ओके बेटा, तो देखिए। ओके बेटा, सपोज आपका ये पैटर्न है, पहले आपका सिंगल स्टार है, फिर डबल स्टार है, नेक्स्ट लाइन में ट्रिपल स्टार है, नेक्स्ट लाइन में फोर स्टार है एंड नेक्स्ट लाइन में आपका फाइव स्टार है। तो आपको क्या करना बेटा, इस वीडियोस को मतलब इस पैटर्न को आपको क्या करना है, प्रिंट कराना है। इस पैटर्न को आपको प्रिंट कराना है। तो इस पैटर्न को जब भी हम प्रिंट कराएंगे तो नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है? और हम वीडियो को क्या करते मतलब पैटर्न को क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, क्लास बना लेंगे, पब्लिक क्लास पैटर्न, पब्लिक क्लास पैटर्न वन। ओके बेटा, सो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, क्लास बना लोगे, पब्लिक क्लास पैटर्न बना लिया। देन आप क्या करोगे, आप मेन मेथड बना लोगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पे आप लिख दोगे स्ट्रिंग ए आर, स्क्वायर ब्रैकेट बना के बंद कर दोगे और यहाँ पे मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर दोगे। अब बेटा यहाँ पे आपको वेरिएबल लेना है, तो यहाँ पे हम टू वेरिएबल ले लेंगे, इंट आई एंड जे, जो कि आपका एक लूप कंट्रोल वेरिएबल होगा, एक इनर लूप के लिए और एक आउटर लूप के लिए। देखिए यहाँ मुझे स्कैनर क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी आपसे इनपुट नहीं पूछा, सीधा सा बोला है कि पैटर्न को आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है? तो कुछ भी नहीं लगाते हैं, ठीक है? कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट अब आप यहाँ पे क्या कर दो, फॉर लूप लगा दो, फॉर, ठीक है? आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन कहाँ तक आपका चलेगा, वन टू थ्री फोर फाइव, कहाँ तक चलेगा आपका, फाइव तक चलेगा, आई प्लस प्लस, ठीक है? और इसके अंदर एक दूसरा फॉर लूप लगा दो, फॉर जे इज इक्वल टू कहाँ से चलेगा, वन तक चलेगा, और जे लेस देन इक्वल आई एंड जे प्लस प्लस, ठीक है? तो ये आपका एक फॉर लूप के अंदर मैंने दूसरा फॉर लूप लगा दिया, और इसके अंदर क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर इंवर्टेड कॉमा के बीच में आपको स्टार लिख देना है बस, और इस फॉर लूप को क्या करना है, आपको बंद कर देना है। इस फॉर लूप को बंद करने के बाद में फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इतना करने के बाद में, ठीक है, आपको मेन फॉर लूप को भी बंद कर देना है, और इसके बाद मेन मेथड को बंद कर देना है, और इसके बाद पब्लिक क्लास को बंद कर देना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी पूरी प्रोग्रामिंग बनके रेडी हो जाती है पैटर्न की। ओके बेटा, तो चलिए अब देखते हैं कि सर इसका आउटपुट कैसे आएगा और ये जो है प्रिंट कैसे करेगा, पैटर्न कैसे डिस्प्ले होगा। तो इसके लिए हम लूप को ट्रेस करते हैं। तो जब लूप को ट्रेस करेंगे बेटा, यहीं पर देखिए मैं लूप को ट्रेस कर पा रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले अगर आपका क्या होगा, आई इज इक्वल टू कितना होगा आपका, वन, कंडीशन चेक करेगा, वन लेस देन इक्वल फाइव, कंडीशन क्या है आपका, ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल अगले लूप में चलेगा और यहाँ पे प्रिंट देखेगा जे इज इक्वल टू वन, ठीक है? तो जे की वैल्यू वन है, तो वन लेस देन इक्वल आई, आई की वैल्यू कितना है, वन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू वन हुआ तो वन लेस देन इक्वल वन, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार, एक स्टार क्या करेगा आपका, ये प्रिंट कर देगा, और प्रिंट करने के बाद में कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफर होगा जे प्लस प्लस पे, तो जे की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी टू, और यहाँ से कंडीशन पे चेक करेगा, टू लेस देन इक्वल वन, कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगा कंट्रोल इस लूप से एग्जिट होगा, और इस लूप से एग्जिट होगा तो क्या लिखा हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ प्रिंट ln लिख करके मैंने छोड़ दिया है, तो ये कर्सर को इस लाइन से हटा करके नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर कर देगा, और इसके बाद ये लूप पे आएगा। तो ये जो ब्रैकेट है ये आउटर लूप का ब्रैकेट है, यहाँ से कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर होगा आपका, आई प्लस प्लस। तो अब आपका आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू कितना हो गया, टू हो गया, तो यहाँ से कंडीशन फिर चेक करेगा, तो टू लेस देन इक्वल फाइव, कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर हम इनर लूप में चलेंगे, और इनर लूप फिर से आपका चलेगा, जे इज इक्वल टू वन,
वन लेस देन इक्वल आई, आई की वैल्यू कितना टू और कंडीशन क्या है ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर नीचे आएगा क्या करेगा सिस्टम डॉट 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 प्रिंट स्टार, तो एक स्टार को प्रिंट कर देगा, कर्सर यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर हम जाएंगे अपडेट होगी वैल्यू, जे की वैल्यू कितना हो जाएगा टू, कंडीशन फिर यहाँ पे आएगा और चेक करेगा टू लेस देन इक्वल टू, यस कंडीशन अगेन ट्रू है, फिर यहाँ पे आएंगे और फिर क्या करेगा सिस्टम डॉट 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 प्रिंट प्रिंट लगाए, एल एन नहीं लगाए तो मतलब उसी लाइन में स्पेस के साथ क्या प्रिंट कर देगा स्टार प्रिंट कर देगा, फिर इसके बाद कर्सर आपका जाएगा जे की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगा थ्री और कंडीशन चेक करेगा थ्री लेस देन इक्वल टू, कंडीशन आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंट्रोल आपका इस लूप से एग्जिट आएगा, फिर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और अगली बार इस लाइन से कर्सर कहाँ ट्रांसफर कर देगा आपका नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर कर देगा और ये आउटर लूप में आएगा, आउटर लूप फिर आपको कहाँ भेज देगा आई प्लस प्लस पे, तो इस बार आई की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो जाएगी तीन, सेम प्रोसेस आपका चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा जब तक कि आउटर लूप फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आउटर लूप, देखिए जो आउटर लूप आपका एक बार चलेगा तो इनर लूप एक बार चलेगा, आउटर लूप दो बार चलेगा तो इनर लूप दो बार चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार आपका आउटर लूप चल रहा है तो इसके बाद इनर लूप जो होगा वो आई टाइम चलेगा यहाँ पे, ठीक है, और आपकी पूरी पैटर्न प्रोग्रामिंग जो है वो प्रिंट कराएगी, तो बहुत आसान होता है बेटा, ठीक है। इस पैटर्न को समझने के लिए सिंपल सा क्या करना है, लूप जो आपका चलेगा फॉर आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल फाइव, आप समझ रहे हो सर ये फाइव कहाँ से आया, तो देख लीजिए कितने रो कॉलम है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव कॉलम थे तो इसलिए मैंने फाइव टाइम चलाया, फोर होगा फोर टाइम चलाओगे आप, सिक्स होगा सिक्स टाइम चलाओगे, तो इस तरीके से यहाँ पे किया और जहाँ पे हमने प्रिंट के साथ केवल किया है एलन नहीं लगाया है और इसके बाद इनर फॉर लूप को यहाँ पे बंद किया है, इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लगा के हमने आउटर लूप को बंद किया है, इसके बाद दोनों मेन मेथड को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये आपका सिंपल प्रोग्राम हो गया, ऐसे हम और भी आगे पैटर्न की प्रोग्रामिंग को देखते हैं, ठीक है, कैसे बनेगा।